स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स बताऊंगी। बहुत ही कम समय में आप एडिशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एक थोड़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर मेरे चैनल में जो बताया जा रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं आज आपको बताऊँगी वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक जिससे आप बहुत ही फास्ट एडिशन कर सकते हो। देखते हैं बच्चों, आज क्या मैं बता रही हूँ आपको। आज मैं बता रही हूँ सम ऑफ एन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर एंडिंग विथ 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह से जिसके एंडिंग में 10 जैसे 200 हो, मतलब 1 के में लास्ट में 20 हो या 30, अनलिमिटेड 0 भी हो सकता है, उसके बाद 4 है तो 50, 60, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। इसमें क्या करना है आपको, एक मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। जैसे 1+2+3+4+5 10 तक है बच्चों, तो इसका एडिशन क्या होगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये क्या है 10, फर्स्ट स्टेप 10/2, ये कितना हो गया 5। एंड सेकेंड स्टेप क्या करना है बच्चों, सेकेंड स्टेप इसको रिपीट करना है, रिपीट सेम नंबर, रिपीट सेम नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका प्लस 55 हो जाएगा, ये सारे का प्लस हो जाएगा 55। अब सेकेंड एग्जांपल ले रही हूं मैं, 1+2+3+4 ये समझो 100 तक है। तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप 10 है, 10/2 किया 5 आया, तो ये 100 है, 100/2 ये हो जाएगा 50। एंड सेकेंड स्टेप रिपीट द सेम नंबर, सॉरी रिपीट द सेम नंबर, तो आंसर हो गया 50, 50। अब कि आप थर्ड एग्जांपल देखो, ये 1000 तक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ये 1000/2 ये हो गया 500। अब इसको आंसर क्या होगा, 500 दिस इज आंसर, इसका ये आंसर था। अब लास्ट एग्जांपल मैं दे देती हूँ, है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, 10,000/2 तो ये हो गया 5,000, तो ये हो गया 5,000, जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखा बच्चों कितना ही सिंपल है, कितना ही इजी है, और इसे आप ये फन छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से इसको सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।